हेलो स्टूडेंट, आई एम मनस्वी, वेलकमिंग यू ऑल इन श्रीराम ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के पेपर का 20 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम उसमें देखते हैं। उसी सीरीज़ में हमारा चल रहा है आपका सेट टेन का पार्ट टू हमें करना है, मतलब 11 से 20 क्वेश्चन तक। तो चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, 11th क्वेश्चन से शुरू करना है। डायरेक्शन इसकी लास्ट सेट में ही थी, क्या है आपको एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस को रीड कीजिए, सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है फटाफट से इसमें देखिए। बच्चों, पहले आप एनालाइज करो, उसके बाद में मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगन एंटरटेनिंग देम, कि जैसे उन्होंने गेस्ट को रिसीव किया, वैसे ही उन्होंने उनको एंटरटेन करना शुरू किया। एंटरटेन मतलब उनका मनोरंजन नहीं, एंटरटेन द गेस्ट का मतलब होता है गेस्ट को लाओ, बिठाओ, चाय पानी पूछो, उसके बाद में उनके हाल चाल पूछो, वो होता है एंटरटेन द गेस्ट। तो बच्चों, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे बच्चों बहुत अच्छी एरर है आपकी। आपकी एरर है पार्ट बी में। और किसकी एरर है आपके लिए, आई होप बहुत सो के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन बच्चों इंटरोगेटिव जैसा ही होता है। इंटरोगेटिव में क्या पढ़ाया था, क्या पैटर्न होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा आपको लगा हुआ, इन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। अच्छा, अब इन्वर्जन होता कब है, क्या कभी भी इन्वर्जन ले ले, ऐसा नहीं होता। अगर आपका सेंटेंस, अगर आपका वाक्य किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कि आपका नो सूनर में नो लगा हुआ दिख रहा है ना, कोई भी आपका जो भी आपकी नेगेटिव एडवर्ब होती हैं उनसे शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो आपकी एडवर्ब कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, एक तो आपके सामने ही है इन्वर्जन करवाने वाली एडवर्ब, एडवर्ब जो इन्वर्जन करवाती है उसकी लिस्ट लिखवा रही हूँ। नो सूनर ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, नो सूनर में होता है, नोट ओनली में होता है, नोट ओनली बट ऑल्सो वाले में होता है। तो नोट ओनली में नोट दिख रहा है ना, इन्वर्जन होगा। उसके बाद में हार्डली, अब आप कहोगे मैम इसमें नॉट नहीं दिख रहा। बच्चों, हार्डली में नॉट छुपा हुआ है, हार्डली होता है ना मात्र, तो ना छुपा हुआ है ना, ना मात्र बिल्कुल नहीं के बराबर। हार्डली हो गया आपका, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, इन सब में आपका क्या होता है, नेगेटिव आपका एडवर्ब होती हैं और ये आपकी क्या लेती हैं, इन्वर्जन लेती हैं। इसके अलावा प्लेस को दिखाने वाली वर्ब भी इन्वर्जन लेती है, जैसे कि कॉमा लगा के लिखना देयर, देयर मतलब वहाँ, जगह को बताया जा रहा है, ये भी आपका इन्वर्जन लेती है। इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, लेकिन वो इंटरोगेटिव पैटर्न नहीं होता। तो आपको नो सूनर सबसे पहले सेंटेंस में दिख गया, तो आप यहाँ पे इसके बाद आने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन कर देंगे, मतलब आप हेड को सब्जेक्ट जो कि आपका दे है उससे पहले उठा के रख दीजिए। अच्छा बच्चों, ये नो सूनर अगर सेंटेंस के बीच में कहीं आता तो इन्वर्जन होता क्या, तो नहीं होता। ये सारी एडवर्ब कहाँ आनी चाहिए, सेंटेंस के शुरू में आनी चाहिए, इस बात को भी लिख लेना, सेंटेंस के शुरू में आनी चाहिए, तभी इन्वर्जन होगा, तभी इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, तभी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं आती है तो इन्वर्जन नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो बच्चों, आपने नोट डाउन किया होगा, तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उसको लिखना। तो कॉम्बिनेशन, ऐसे तो मैंने आपको अभी तक बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं, जैसे कि ईदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, ईदर के साथ में और का होता है, नीदर के साथ में किसका होता है, नीदर के साथ में नॉर का होता है। ये दोनों दो पर्सन या आपके थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद में नॉट ओनली के साथ में किसका कॉम्बिनेशन होता है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है, ऑल दो के साथ में किसका कॉम्बिनेशन होता है, ऑल दो के साथ में आपका यट का कॉम्बिनेशन होता है। फटाफट ये लिखो, फिर और कॉम्बिनेशन लिखवाती हूँ। इन सब के बारे में तो पहले भी आपको बताया था, अब इसके बाद में देखना, नो सूनर के साथ में
यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। नो सोनर के साथ बच्चों टी एच ए एन का यूज़ करते हैं, टी एच ई एन का यूज़ नहीं करते हैं, देन टी एच ए एन का यूज़ करते हैं। ये एरर पूछा जाता है कि नो सोनर के साथ यहाँ पे देन ना लगा के वेन लगा के एरर देता है, नो सोनर के साथ वेन लगा के एरर देता है, तो वेन नहीं आएगा, क्या आएगा, देन आएगा। अब एक और कॉम्बिनेशन लिखना, हार्डली, हार्डली के साथ में वेन का कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन, वेन का, यहाँ पे देन लगा के एरर देगा। तो समझ में आया है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, तो फटाफट लिख लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। हमारा 12th क्वेश्चन है, क्या है, डायरेक्शन रीड करो पहले फटाफट से। दिया है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फाइंड आउट करना है, एक से एक वर्ड जिससे सेंटेंस को रिप्लेस किया जा सके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, ए स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउस, हाउस के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, तो जो आपके घरों के ग्रुप को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं, हैमलेट बोला जाता है बच्चों। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अच्छा बाकी कम्युनिटी, कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। सेटलमेंट क्या होता है, लोगों का किसी जगह पर क्या होना, सेटल होना, सेटलमेंट है। कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी आपको पता ही है, आप सबकी कॉलोनीज होती होंगी। तो एक जो आपका शहर है वो अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड होता है, जिसके अंदर लोग होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलोनी में, तो वो आपकी कॉलोनी। लेकिन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कोई छोटा गांव हो या फिर ग्रुप ऑफ हाउस हो, उसको हैमलेट बोला जाता है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन क्या दिया है, आपको अंडरलाइन ईडियम दी है, इसका आपको मीनिंग पता करना है। तो अंडरलाइन ईडियम दिए और साथ में ये किसी सेंटेंस में यूज़ करके दिया है। अब ये आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस से इसका मतलब आप ना चाह, अगर आपको नहीं भी आता ना, तो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, गेस कर सकते हो। तो जरा एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं, क्या स्टेटमेंट दिया है, द यंग बॉयज एक्ट पुट हिज फादर इन ए पिकल, कि जो यंग बॉय का जो काम था, यंग बॉय मतलब कोई छोटा बच्चा है, उसके जो काम ने उसके फादर को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया, इन ए पिकल मतलब एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया, एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन में डाल दिया, पंगे में डाल दिया बोलते हैं ना नॉर्मली, कि उसने मेरे को परेशानी में डाल दिया, तो बस वही होता है इन ए पिकल, इन ए पिकल मतलब परेशानी में डालना। अब ऑप्शन देख लेते हैं, किस ऑप्शन में ये आपका आंसर दिया हुआ है, ए है फनी पोजिशन, एक हास्यास्पद स्थिति में, तो फनी पोजिशन में नहीं, ए इन ए सीरियस पोजीशन मतलब कोई बहुत ही गंभीर अवस्था में, सीरियस क्या होता है, गंभीर होता है जानते हैं आप, ठीक है। सी है इन ए सैड सिचुएशन, एक बहुत ही दुखद अवस्था में, सैड मतलब दुखद। तो किस में डाला बच्चों, इसमें ए बी सी तीनों ही ऑप्शन नहीं, तो आंसर तो अपने आप डी हो ही गया, ए ऑप्शन के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन रीड और कर लेते हैं, क्या है, इन एन एम्बेरेसिंग और आउटवर्ड सिचुएशन, एम्बेरेसिंग क्या होती है, शर्मसार करने वाली, एम्बेरेसिंग मतलब शर्मसार, शर्मसार करने वाली कोई सिचुएशन, आउटवर्ड सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जिससे बच के बाहर नहीं निकला जा सकता, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को आउटवर्ड सिचुएशन बोला जाता है। तो इन पिकल का मतलब समझ में आया, इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 14। 14 भी क्या है, इंस्ट्रक्शन पहले रीड कर चुके हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें एक अंडरलाइन आपका क्या दिया है, एडियम दिया है। अच्छी बात क्या है कि इसको स्टेटमेंट में यूज़ करके दिया है, आप इसको गेस भी कर सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट रीड करो इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। दे गेट ऑन वेल विद ईच अदर द मोमेंट दे मेट, कि जैसे ही वो मिले ना, जैसे ही वो मिले वैसे क्या हो गए, गेट ऑन वेल ईच अदर। देखो आप अंदाजा भी लगा सकते हो, गेट ऑन वेल ईच अदर मतलब जैसे ही मिले वैसे ही क्या हो गए, दुश्मन बन गए कि दोस्त बन गए। यहाँ पे वेल का भी यूज हुआ है, वेल मतलब अच्छा होता है ना, हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग वेल, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो गेट ऑन वेल मतलब कि फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, दोस्ती अच्छी हो गई, ये इसका मतलब हो सकता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, हैड एन एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट क्या, कोई समझौता हो गया उनमें,
तो समझौता नहीं हुआ, दोस्ती हुई है। तो यहाँ पे ए मेरा आंसर नहीं होगा। बी देखना, हैड ए मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन लोगों के बीच में, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। सी है हैड ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, उनके बीच में एक मित्रतापूर्ण क्या हो गया, व्यवहार स्थापित हो गया, तो यही आपका आंसर रहेगा। डी क्या है, फेल इन लव, तो ऐसा भी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ मुझे आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है, ईच अदर का। तो बच्चों ये ईच अदर जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन आपका, अब इसके टाइप वगैरह के डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्या इसका नाम है ये नहीं, बस इसका यूज समझ लो जो एग्जाम में आने वाला है। तो प्रोनाउन हमेशा ईच अदर जो है ये टू पर्सन या टू थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। दो पर्सन हो जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, हेल्प्ड ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर दो से कोई ज़्यादा केस हो, मोर देन टू हो, तो यहाँ पे अगर आपका मोर देन टू हो, ठीक है, मोर देन टू हो, और अगर आपको परस्पर का सेंस लेना है कि आपस में एक दूसरे के उन्होंने मदद की या कुछ भी किया आपस में एक दूसरे के साथ, तो आपका क्या आएगा, आपका वन अनदर आएगा, वन वन अनदर, वन अदर मत ले लेना, वन अनदर लेना, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर दो पर्सन और थिंग हो, टू पर्सन और थिंग, तो क्या लेना, आप टू हो तो आप लेना ईच अदर, जैसे राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। लेकिन दो से ज़्यादा हो या कुछ ऐसा नंबर हो जो हमें पता ना हो, तो आप क्या ले सकते हो, वहाँ पे वन अनदर भी ले सकते हो, जैसे कि एवरी वन शुड हेल्प वन अनदर, हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे वन अनदर और ईच अदर का कॉन्सेप्ट देख लेना। तो बच्चे क्वेश्चन समझ में आया आपको, कैसे ईच अदर और वन अनदर का क्या कॉन्सेप्ट है। बार बार दोबारा बता रही हूँ, वन अदर नहीं होता, वन अनदर होता है, ये वन अदर करके भी एरर आता है। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, 15th क्या है, क्या बोला है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो आपको यहाँ पे वॉइस कन्वर्जन देखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखना आपको किस में दिया आपका जो सेंटेंस का टेंस, देखो सबसे पहले तो सेंटेंस है दे हैव मेड ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवल, इस नोवल पे बेस्ड उन्होंने क्या बनाई, मूवी बनाई। अच्छा मुझे यहाँ पे क्या टेंस यूज हुआ है सबसे पहले वो बताओ। तो आपको यहाँ पे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, ये हैव, ये क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, और मेड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बता दीजिए हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब थर्ड किस में यूज़ होता है, तो यूज़ होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका आपको मैंने आपको इसका रूल लिखवाया हुआ है कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फिर भी एक बार वापस देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालना क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में आप एक कॉलम बनाना, कॉलम बना के उसको दो कॉलम यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक कॉलम और दो रो हो गए आपके। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में हेडिंग डालना एक्टिव वॉइस, और सेकंड में डालना पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस लिखना सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे हैज या हैव, आपको पता ही है सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और आपका फुल स्टॉप। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, आप पहले ले लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे हैज या ऑब्लिक हैव, अब वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हैज हैव ले लेंगे। उसके बाद में क्या लेंगे बच्चों, बीन लेंगे, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, और आपका क्या, फुल स्टॉप। तो देख लेना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही मैंने आपको पैसिव की पहचान बताई है।
बाकी मैंने आपको ये भी समझाया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका पैसिव होता है, मतलब सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, वो कोई काम एक्शन नहीं करता, इवन एक्शन उस पर होता है। तो इस चीज़ को भी देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने क्या बोला, जल्दी स्पीड से करने के लिए केवल टेंस का कन्वर्जन देखना बच्चों। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको, क्या देखना है, हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। सबसे पहले इसको चेक करो कि ये कहाँ मिल रहा है। तो देखा, फर्स्ट मैंने ऑप्शन जैसे ए पढ़ा तो यहाँ तो वॉज बेस था, क्या वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए क्या? नहीं। ये किसका कन्वर्जन है बच्चों? ये पास सिंपल का कन्वर्जन है, ये भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, हैव बीन मेड। चलो हैव बीन मेड मिल गया, तो यहाँ पे यही तो हैज या ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस मेड ये चाहिए था, ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन क्या अभी इसको टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊँ? ऐसा कभी मत करना, सारे ऑप्शन को पहले रीड करना। तो सी देखना क्या मिल गया, यहाँ पे भी हैज प्लस बीन प्लस मेड मिल गया, अब ये भी आंसर हो सकता है। डी देखना, तो हैज प्लस बीन प्लस अब पता नहीं क्या बेस्ड मिला फिर मेड मिला, तो इसमें भी देखेंगे क्या एरर है। पर अभी तो जो चीज़ें मुझे हैज़ है बीन प्लस वर्ब थर्ड चाहिए था वो तो मुझे मिल ही रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, वो क्या है? तो देखो, एडजेक्टिव क्लॉज मैंने बताया है क्या होते हैं, जो नाउन को डिफाइन करता है। कोई सेंटेंस आ गया किसी नाउन के बारे में, वो क्या है आपका क्लॉज है, उस क्लॉज का फ्रेज भी बन जाता है, तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ये एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज ये हमेशा अपने नाउन के साथ ही रहते हैं। अच्छा, नाउन आपके पूरी ग्रामर में आपके या तो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपका, मैं पूरा इस सेंटेंस का डाइसेक्शन कर रही हूँ, हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताऊँगी, इसे ध्यान से देखना, पहले सब चीज़ें नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा बताइए, दे क्या है बच्चों? दे तो सब्जेक्ट है, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, मेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेड वॉट, मेड वॉट तो मेड ट्रांजिटिव वर्ब है, किसका रिप्लाई दे रही है? वॉट का। वॉट का रिप्लाई किससे आ रहा है? क्या बनाया भाई? फिल्म बनाया। फिल्म क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और फिल्म, फिल्म जो कि बेस थी किस पर? इस नोवेल पर। तो फिल्म जो कि बेस थी इस नोवेल पर, ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये किसके लिए आया है मुझे बताओ, ये फ्रेज किसके लिए आया है? ये फिल्म के लिए आया है, फिल्म की खासियत बता रहा है। कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं, वो फिल्म जो किसी पर्टिकुलर एक नोवेल पर आपकी बेस है, उस पर आधारित है। तो यहाँ पे फिल्म के लिए एडजेक्टिव फ्रेज आया है। तो नाउन के लिए कभी भी कोई एडजेक्टिव क्लॉज, आपको पता है एडजेक्टिव को हम ए डी जे से लिखते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज आए या एडजेक्टिव फ्रेज आए, वो हमेशा क्या करता है? उस नाउन के साथ ही रहता है, मतलब ये बंधन कभी नहीं टूटता। तो ये इसके साथ ही रहता है, ये किधर भी जाए। अब यहाँ पे हमें पता है आपका जो पैसिव में ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल, ये फिल्म आपका ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट से जुड़ा जो आपका फ्रेज है वो बेस्ड ऑन दिस नोवेल है। ये दोनों क्या है, एक साथ ही ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे। अब आपको पैसिव में क्या करते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, तो ए फिल्म को आपको पहले लिखना है। अब इसके साथ साथ कौन जाएगा? बेस्ड ऑन दिस नोवेल भी इसके साथ साथ जाएगा, इससे अलग नहीं। तो ये चीज़ देखते हैं किस में दी हुई है। तो यहाँ पे बी में पढ़ना, ए फिल्म हैव बीन मेड, तो ए फिल्म के बाद में क्या होना चाहिए था? बेस्ड ऑन दिस नोवेल। ये चीज़ इस बी ऑप्शन में मिसिंग है, इसलिए बी मेरा आंसर नहीं होगा। सी को जरा देखना क्या दिया हुआ है, ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का जो फ्रेज है वो भी देखने को मिल गया, और इसके बाद में फिल्म किस तरह का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज ले लिया और बीन मेड। तो बाई देम तो सब में, अब बाई देम सब में ही मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई देम सब में ही मिसिंग है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी। डी में देखना, डी में तो और भी पता नहीं क्या ही कर रखा है, द फिल्म हैज़ बीन बेस्ड एंड मेड, पता नहीं इसमें तो कोई और ही कहानी इन्होंने कर रखी है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको समझ में आया किस तरह नाउन का एडजेक्टिव क्लॉज
और नाउन का एडजेक्टिव फ्रेज उसके साथ साथ ही रहता है, भले ही वो ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसके साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं कि ए फिल्म यहाँ लिखो और बेस्ड ऑन दिस नोवेल एंड में लिखो, ऐसा नहीं होगा। ये बेस्ड ऑन दिस नोवेल जो कि ए फिल्म का एडजेक्टिव फ्रेज है वो ए फिल्म के साथ ही रहेगा, जो कि केवल सी ऑप्शन में है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों एक डाउट आया दिमाग में कि बार बार जो क्लॉज और फ्रेज बोल रही हूँ ये क्या चीज़ है। तो क्लॉज आपको बहुत बार मैंने बताया है कि क्लॉज में क्या होता है बच्चों, क्लॉज में होता है आपका एक डब्ल्यू एच वर्ड। तो ए फिल्म विच वॉज बेस्ड ऑन दिस नोवल, तो ए फिल्म क्या है बच्चों, ए फिल्म है आपका नाउन, नाउन ही है ना किसी चीज़ का, आपको पता ही है फिल्म आपका नाउन है। अब यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये है इसका एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लॉज क्यों बोला, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है और आपका टेंस है, वॉज बेस दिख रहा है ना, पैसिव है, टेंस तो है। क्लॉज कैसे बनाते हैं, तो ये पैसिव का एडजेक्टिव क्लॉज का एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनाते हैं सीखना बच्चों, पहले भी बहुत बार बताया है। एडजेक्टिव फ्रेज बनाते टाइम डब्ल्यू एच वर्ड को हटाओ और क्या हटाओ, टेंस की पहचान मिटाओ। तो वॉज बता रहा है, पास सिंपल का पैसिव है इसलिए वॉज हटाया, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या बन गया, फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवल, तो यहाँ से शुरू होके बन गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप ये चीज़ क्लॉज और फ्रेज की समझ में आई होगी, राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है, पैराजम्बल का क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट जो आपका सेंटेंस कैसे शुरू होना चाहिए वो दिया है और उसके आगे की चीज़ आपसे पूछी गई है। तो क्या है, ए ब्रोकर सेड, ब्रोकर आपको पता ही क्या होता है, बिचौलिया जो होता है, मकान वगैरह दिलाने वाला ब्रोकर, सेड दैट, उसने क्या कहा। तो दैट क्या है बच्चों, दैट कंजंक्शन है कि नहीं है, और कंजंक्शन के बाद सेंटेंस आता है कि नहीं आता, और सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। तो हमें अब यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे आपका एक क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। मैंने आपको बताया है पैराजम्बल पूरी ग्रामर का सार है बच्चों, यहाँ पे आपको वेरियस कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ढूंढना है, फटाफट जल्दी ढूंढना है कि क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट बैठेगा। तो जो मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इसको देखा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे भी मेरी नज़र गई और ऑप्शन में देखा कि दो ऑप्शन में फर्स्ट सेंटेंस एस है, तो यहाँ पे मैं शुरुआत एस से ही करूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट सेंटेंस एस ही होगा, लेकिन ये 70% और 80% चांस है कि एस मेरा फर्स्ट सेंटेंस होगा, तभी दो ऑप्शन में गिवन है। तो देखना, एस मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, उसके बाद में जरा ए पर्सन को देखना और उसके बाद में हु बाइज ए हाउस देखना। तो यहाँ पे जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसके बारे में मैंने पहले बताया है आपको, और ये प्रोनाउन हमेशा लिविंग के लिए आता है, ये भी बताया है, लिविंग के लिए हु आता है, लिविंग के लिए हुम आता है, लिविंग के लिए हुज आता है। इन तीनों में डिफरेंस पहले बता चुकी हूँ। नॉन लिविंग के लिए विच आता है या फिर ऑफ विच आता है, ये भी बताया मैंने, विच ऑफ विच कब और किसके लिए आते हैं। उसके बाद में मैंने बताया दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है और किस केस में आता है, ये भी बताया। तो बच्चों यहाँ पे उन डिटेल में बात तो नहीं करूँगी, पुराने सेट आप जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे ए पर्सन लिविंग है कि नहीं है, कोई पर्सन लिविंग ही होगा ना बच्चों। अच्छा मुझे बाकी ऑप्शन में बताओ कि कोई ऐसा लिविंग चीज़ है क्या जिसके बाद में हु आ सके ए पर्सन के अलावा। मुझे तो ऐसा कुछ भी इन चारों ऑप्शन पी क्यू आर एस में से नहीं लग रहा जो लिविंग हो। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि पी के बाद ही आर आना चाहिए, मतलब ए पर्सन हु बाइज ए हाउस, एक पर्सन जो घर खरीदता है, ए पर्सन के बाद ही पी और आर, पी के बाद आर आना चाहिए। अभी अभी तो बताया था एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने नाउन के साथ ही बैठा रहता है, तो यहाँ पे ए पर्सन का एडजेक्टिव क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, ये हु पर्सन के लिए आया है। एडजेक्टिव क्लॉज का कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे भी काम आ रहा है, तो पी के बाद में आर, तो बस ये कॉम्बिनेशन अब देखो, पी के बाद में आर किस में है और पी के बाद में आर बी और डी में किस में है, डी में है। अच्छा बाकी ऑप्शन भी देखा ना, ए और सी, इसमें भी देखो
पी के जस्ट बाद आर किसी में भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आप हमारा सही ऑप्शन मतलब 95% यही होगा, 5% की प्रोबेबिलिटी फिर भी मैं छोड़ रही हूँ। कि आपके पास टाइम हो तो एक बार इसको रीड करके देख लेना कि मीनिंगफुल आपका सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे कि मैं रीड करती हूँ, द ब्रोकर सेड दैट, क्या कहा, फॉर द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट, सबसे कम इंटरेस्ट रेट के लिए। लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एसटी लग के सुपरलेटिव डिग्री बनता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो सेंटेंस क्या है, द ब्रोकर सेड दैट फॉर द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट ए पर्सन हु बाइज ए हाउस शुड शॉप केयरफुली। कि एक लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए, सबसे कम इंटरेस्ट रेट के लिए, सबसे कम ब्याज दर के लिए एक पर्सन जो कि घर खरीदता है उसको क्या करना चाहिए, शॉप करना चाहिए केयरफुली, उसको शॉप करना चाहिए, ये बोला गया है बच्चों। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। यहाँ पे बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए सारे वर्ड्स का, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो क्या बोला है, हिज डायरेक्शंस, उसकी डायरेक्शन, उसके निर्देशों ने, टू द ड्राइवर, जो ड्राइवर को दिए, टू द ड्राइवर वर ब्लैंक एंड हेल्प्ड हिम टू रीच ऑन टाइम। वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट थे, क्लियर थे, एंड हेल्प्ड हिम टू रीच ऑन टाइम, और उसकी मदद की टाइम पर पहुंचने में। तो यहाँ पे आप समझे, टाइम पर पहुंचा है, इसका मतलब क्या है, जो उसने डायरेक्शंस दी थी, निर्देश दिए थे, वो क्लियर थे कि अनक्लियर थे, स्पष्ट थे कि अस्पष्ट थे। अगर स्पष्ट थे तभी तो टाइम पे पहुंचाना। तो देखेंगे सारे मीनिंग में ये सेंस किस वर्ड से निकल रहा है। तो जैसे वर्ड पे नज़र गई बच्चों, तो यहाँ पे देखना एक्सप्लिटिव क्या होता है, शपथ होती है, एन ओथ। एन क्यों लगाया पता है ना, ओ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है। इम्प्लीकेट होता है किसी को किसी अपराध में फंसाना, किसी पर्सन को किसी अपराध में फंसाना, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीकेट का मतलब है क्या, फंसाने का कोई मतलब है क्या, तो बी मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ना शपथ का कोई सेंस है, तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, यही तो मेरे को मीनिंग चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। और इम्प्लिकेट क्या, इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट बच्चों इसका एंटोनिम है, मतलब जो क्लियर ना हो, क्लियर ना हो, ठीक है, अनक्लियर हो, जो आपका अस्पष्ट हो, कुछ बातें जो अंतर्निहित होती है, जिनको समझना पड़ता है। जैसे रीजनिंग में हम करते हैं ना, हमारे पास आते हैं जैसे कुछ स्टेटमेंट आते हैं और हम बोलते हैं इन स्टेटमेंट का मतलब बताओ भाई, इनका छुपा हुआ मतलब कौन सा हो सकता है, तो वो इम्प्लिसिट मीनिंग, अस्पष्ट होता है, उनको ढूंढना पड़ता है। तो डायरेक्शन कैसे थे, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट थे, इसलिए टाइम पे पहुंच गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं, क्या दिया है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है, और हमारे पास वर्ड क्या दिया है, सर्किटियस दिया है, सर्किट से बना सर्किटियस वर्ड है बच्चों। तो सर्किट, तो सर्किट का स्पेलिंग तो सबको याद होता है, क्या होता है, CIRCUIT। तो इस स्पेलिंग को सबसे पहले चेक करो, मैंने बोला बड़े स्पेलिंग को तोड़ तोड़ के लर्न किया करो। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन मेरा सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो सर्किट के उसका स्पेलिंग, बड़े स्पेलिंग को तोड़ तोड़ के, सर्किट याद कर लिया फिर OUS याद कर लो, इस तरह थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना। और सर्किटियस का मतलब क्या होता है, लॉन्गर वे, लंबा रास्ता, अनयूजुअल वे, लॉन्गर वे होता है, लंबा रास्ता होता है, अदर देन द डायरेक्ट वे, सीधे रास्ते से जो अलग होता है, मतलब सीधा डायरेक्ट रास्ता नहीं है, डायरेक्ट रास्ते से अलग जो एक लंबा रास्ता है, सर्किट मतलब गोल 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 घूम के, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो। तो लंबा जो रास्ता होता है, मतलब सीधा रास्ता नहीं, उसको बोलते हैं सर्किटियस। तो यहाँ पे देख लेना बच्चों, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है, और यहाँ पे OUS लग के अधिकतर आपके एडजेक्टिव बनते हैं,
और लंबा ही होता है रास्ता, तो मैंने बोल दिया सर्किटियस वे को बोलते हैं लंबा रास्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग निकालना है आपको। तो मीनिंग क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होते हैं? ट्रांजिशन होता है चेंज, बदलाव। ट्रांजिशन क्या है? चेंज या फिर बदलाव। तो यहाँ पे आपको इसका सिनोनिम देखना है, तो हम देखेंगे कि इसमें आपको बदलाव, ट्रांजिशन, बदलाव। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सिमिलर मीनिंग है। ए है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है बच्चों? पोजीशन होता है स्थिति, अवस्था। ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हुआ। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन आप समझते हो, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मतलब किसी चीज़ को किसी में बदलना। नेक्स्ट देखना चेंज। तो यहाँ पे चेंज ही क्या है? बदलाव है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है हलचल। ठीक है, ट्रांसलेशन आप लैंग्वेज से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्ट करना ट्रांसलेशन होता है, उसका दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, आपको ये पता ही होगा। तो यहाँ पे सारे मीनिंग क्लियर हैं, बहुत ही इजी आपका सिनोनिम पूछा गया था। ये चीज़ें बच्चों बहुत ही इजी गोइंग मार्क्स होते हैं, इनको नहीं छोड़ना होता, फ्री फ्री के मार्क्स होते हैं। कभी कभी हमें इंग्लिश लैंग्वेज का इतना डर बैठ जाता है कि हम इंग्लिश से क्वेश्चन रीड ही नहीं करते, पता चला पेपर तो बहुत ईजी था। तो 20th क्वेश्चन और इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। आपको एंटोनिम ढूंढना है बच्चों, विपरीत शब्द ढूंढना है। तो पहले डायलेट का मतलब पता होगा, तो इसका विपरीत शब्द भी ढूंढेंगे। डायलेट क्या होता है? फैलना, फैलना। ठीक है, अब इसका जो उल्टा हो जाएगा वो सिकुड़ना हो जाएगा, देखते हैं किस में है। तो फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है? निराश या खिजाऊ। ये मैं आपको पहले भी इसका मतलब समझा चुकी हूँ, पहले भी फ्रस्ट्रेट वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट देखना कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन सुना है ना, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना। ठीक है, एक्सपेंड क्या होता है? एक्सपेंड तो होता है फैलना। ये तो आपके डायलेट का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया बच्चों, सिमिलर मीनिंग हो गया। लास्ट रोटेट। रोटेट क्या होता है? घूमना, घूमना या फिर घूर्णन करना, घूर्णन करना। आपने सुना होगा अर्थ क्या करती है? अपने ही एक्सिस पे रोटेट होती है, रोटेशन आपने स्पीड सुना होगा। तो यहाँ पे बच्चों मेरे को अपोजिट मीनिंग एंटोनिम चाहिए था, फैलने का उल्टा क्या हो जाएगा? सिकुड़ना। तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ में हमारा जो सेट 10 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे सेट 11 के पार्ट 1 के साथ में। सो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड। जय हिंद।